नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोख हम आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो एक अरेबिक डिश है, लेकिन मैं इसे इंडियन अंदाज से बना रही हूँ। इसमें आपको घेवर का भी टेस्ट आएगा, रबड़ी का भी टेस्ट आएगा और आइसक्रीम जैसा भी लगेगा। इस रेसिपी का नाम है कुनाफा। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 750 ml फुल क्रीम दूध। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर और 1 ताजी ब्रेड का ब्रेड क्रम्स डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 10 मिनट चम्मच चलाने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें दूध से भिगी हुई केसर मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप केसर की जगह केसर या फूड कलर भी डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मिक्स करेंगे 2 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच कटिंग किया हुआ पिस्ता डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी एकदम तैयार है, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस को करते हैं बंद और आगे की तैयारी करते हैं। अब गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें 300 ग्राम रोस्टेड सेवैया डालकर इस तरह सेकेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड है इसलिए इसे ज़्यादा नहीं सेकनी है, अगर आप प्लेन सेवैया ले रहे हो तो अच्छे से सेकनी होगी। दो मिनट सेकने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब इसे लीड लगाकर 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट में ही सेवैया दूध सोख लिए, अब इसमें 2 बड़ा चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद खुशबू के लिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालकर गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा।
सेवें भी ठंडी हो चुकी है और रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है। अब एक केक ट्रे लेंगे और इसमें डालेंगे सेवैयाँ। इसे चम्मच की मदद से दबाकर इक्वल करेंगे और ऊपर से पिस्ता डालेंगे। मैं पिस्ता डाल रही हूँ, आप अपनी इच्छा से बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हो। अब ऊपर से एक लेयर रबड़ी की लगाएंगे। रबड़ी की लेयर लगाने के बाद दोबारा सेवैयाँ की लेयर लगाएंगे। और ऊपर से पिस्ता डालकर वापस रबड़ी की लेयर लगाएंगे। और फाइनली इस तरह पिस्ता से गार्निश करेंगे। कुनाफा तैयार है। अब इसे एक घंटा के लिए फ्रीज में रखकर ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। दोस्तों, ये आप एक बार बना लोगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि एक ही डिश में कितने तरह के अलग अलग टेस्ट आएंगे। आपको ऐसे लगेगा मलाई घेवर खा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।